लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर है। कोटा के जेकेलोन अस्पताल में 8 घंटे में 9 बच्चों की मौत पर उन्होंने चिंता जताई है। शुक्रवार को बिरला ने कैंप कार्यालय पर कलेक्टर और अस्पताल के अधिकारियों को बुलाकर हालातों की जानकारी ली। करीब आधे घंटे चली बैठक के दौरान बिरला ने कहा कि अस्पताल में मॉनिटरिंग पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उन्होंने डॉक्टरों से पूछा कि अगर जेकेलोन में संसाधनों की कमी है तो इसके बारे में तुरंत बताएं ताकि उन्हें बढ़ाया जा सके। मासूमों की मौत के कारणों का विश्लेषण करें। अगर संसाधन है तो फिर मासूमों की मौत क्यों हो रही है। बैठक में जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौर, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना, शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अमृत लाल बेरवा सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि जेकेलोन अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा मातृ एवं शिशु रेफरल अस्पताल है। यहां ज़्यादातर आसपास के जिलों से गंभीर हालत में बच्चे रेफर होकर आते हैं, इसलिए कई बार मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है। मीडिया से बातचीत में स्पीकर बिरला ने कहा कि नवजात और प्रसूताओं को सुरक्षित रखने के लिए संसाधन, चिकित्सक और स्टाफ को बढ़ाएंगे। पहले भी राज्य सरकार से आग्रह किया गया था, केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है। स्मार्ट सिटी के तहत 35 करोड़ का काम भी शुरू हुआ है। विधायकों ने अपने विधायक कोष से पैसा दिया है, CSR का भी पैसा आया है। अस्पताल में मॉनिटरिंग सही होनी चाहिए। बिरला ने अस्पताल के हालातों में सुधार की जरूरत बताई है। नवजात शिशु की मृत्यु एक दुखद घटना, व्यक्तिगत रूप से भी दुखी करते हैं और उनके लिए, परिवार के लिए तो बहुत बड़ा दुख होता है। ये कोटा का एक संभाग का बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ हम किस तरीके से हर नवजात शिशु को सुरक्षित रख सकते हैं, उनकी माँ को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर भी करेंगे और चिकित्सक कर्मी भी बढ़ाएंगे। इसके लिए मैंने पूर्व में भी राज्य सरकार से आग्रह किया था, केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है। स्मार्ट सिटी के तहत 35 करोड़ का काम भी यहाँ शुरू हुआ है। कुछ माननीय विधायकों ने भी अपना विधायक कोष से पैसा दिया है, कुछ CSR से भी दिया है, लेकिन मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का इतना बड़ा अस्पताल है, संसाधन बढ़ाने के लिए सरकार से आग्रह किया है, लेकिन उसके साथ मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था है कि हम किस तरीके से चिकित्सा कर्मी और नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त मात्रा में हो ताकि हर बच्चे को केयर कर सके और उसको सुरक्षित बचा सके। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।